हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का ऊपर और देखेंगे आज क्या होने वाला है बैंक निफ्टी और बात करेंगे पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड, मार्केट रेंज क्या है। तो आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी और पिवट पॉइंट 27159, फर्स्ट रेजिस्टेंस 27380 एंड सेकेंड रेजिस्टेंस 27496 and third is then 27718, first support 27043, second support 26821 and the third support 26705। तो ये देख सकते हैं आप बैंक निफ्टी डेली चार्ट। तो बैंक निफ्टी का मैंने रेजिस्टेंस लाइन दिया था जिसे 27672 में फर्स्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट और एक मिला हुआ है रेजिस्टेंस की एरिया हमें 27840। तो बीच में जो हमें ये एरिया मिले, ये एक बफर जोन मिला हुआ है, मार्केट यहाँ तक जाने का चांसेस है ये एरिया तक। तो ये हो गया डेली चार्ट। तो हम अगर देखें छोटा टाइम फ्रेम जिसे 54 आवर में, 4 आवर में आप देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई बना के जा रहा है। तो नेक्स्ट टारगेट यही दिखा रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं 50 मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज, ये 150 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया हुआ है। तो इसमें कंफर्म किया हुआ है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। तो और 15 मिनट में देखे तो स्मॉल टाइम फ्रेम जैसे एंटी के लिए, तो मुझे लगता है ये थोड़ा ब्रेकआउट हो गया मार्केट। तो ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाके थोड़ा रिट्रेसमेंट देना चाहिए क्योंकि पहले देख सकते हैं आप 100 मूविंग एवरेज के आसपास से मार्केट बाउंस हो रहा है। तो नेक्स्ट मुझे लगता है फिर से मार्केट एक 100 या 150 मूविंग एवरेज का आसपास आ सकता है बाउंस में, तो फिर से ऊपर जाने का चांसेस है बैंक निफ्टी। अगर आपने एंट्री किया तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है मार्केट को रिट्रेसमेंट करने के लिए देना चाहिए क्योंकि ये मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप में डाउन ओपन हुआ है। तो अगर गैप अप फिलअप करने के लिए भी फिर से नीचे आ सकता है, तो नीचे आने का बाद आप एंट्री कर सकता है बाय में, ठीक है। और अगर आपने एंट्री किया बाय में तो आप मतलब 200 मूविंग एवरेज के नीचे में तो ऐसा लगा सकता है और टारगेट आप 26672 में हो सकता है टारगेट। और इसका रेशियो आपका 1:1 रहेगा, 1:1 ही रहेगा, राइट। सो क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो यहाँ पे आपको सेल लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है, राइट। तो इसलिए जितना हो सके आपको अगर लोअर प्राइस में मिले तो एंटर कर सकते हैं क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद एक रिट्रेसमेंट तो आता ही है। जैसे आप देख सकते हैं ये ब्रेकआउट किया पॉइंट तो रिट्रेसमेंट हुआ, ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट किया तो रिट्रेसमेंट होना ही चाहिए, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।